नमस्कार दोस्तों, सीएससी वेली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के शोडो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के तहत जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे जैसे ही आप यहां पर सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते होंगे तो आपको यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो आपको अपने फॉर्म को कैसे सबमिट करना है, कैसे फिल करना रहेगा, कैसे सेव करना रहेगा, जिससे आपको यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट ना करे, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। 100% गारंटी के साथ आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा, आपको ना ही होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, ना ही सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप वहां से इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहां पर आने के बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको यहां पर कैंडिडेट कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, इसी के नीचे आपको क्लिक हेयर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024 का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेना है, इस फॉर्म को फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कैंडिडेट पहले से ही कक्षा 5 2023-24 में पास कर चुका है, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर तो नीचे आपसे पूछ रहा है क्या छात्र JNVST में नवोदय विद्यालय के तहत पहले से ही अप्लाई कर चुका है, तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट करना है। यस सेलेक्ट करोगे तो आप इसके लिए पात्र नहीं रहोगे, क्योंकि एक ही बार नवोदय विद्यालय में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है क्या जो आप इसके नोटिफिकेशन है उसको पढ़ लिया, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जहाँ छात्र रह रहा है और जहाँ कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा है दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम है, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या जो स्टडी सर्टिफिकेट है उसे हेडमास्टर द्वारा प्रमाणित करा लिया गया है, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपसे पूछ रहा है 31 जुलाई 2023 से में छात्र ने कक्षा 4 पास किया, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास आधार नंबर है, तो यदि आपके पास आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करोगे, अन्यथा इसको नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करोगे एक टॉपअप आएगा, इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र, जहाँ भी छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा, जिसका साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें आप माता पिता का आधार कार्ड या वोटर आईडी या कोई निवास प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो कापी किसी एक की अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधार कार्ड की फ़ोटो कापी अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक सबमिट का बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको इस फॉर्म को फिलअप करना रहेगा, सारी सही डिटेल आपको इसमें सारी डिटेल फिल करनी रहेगी, जो भी इसमें आपको फिल करना रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछ रहा है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस राज्य का आपको यहाँ से सिलेक्शन करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का चयन करना रहेगा जहाँ भी छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ से चयन कर लेना है। यहाँ पर हम इस डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर उस ब्लॉक का चयन करना रहेगा जहाँ अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2023-24 में। फिर यहाँ पर इसके बाद आपको उस विद्यालय का चयन करना रहेगा, भरना रहेगा, जहाँ छात्र कक्षा 5 में पढ़ रहा है। फिर देन यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पूरा नाम, छात्र का पूरा नाम इसमें फिलअप करना रहेगा। कोई मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, एक मोबाइल नंबर आपको डालना रहेगा। देन यहाँ पर आपको जन्म तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी रहेगी, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। देन यहाँ पर आपको कैंडिडेट की माता जी का नाम आपको इसमें फिलअप करना रहेगा, जो भी कैंडिडेट है माता जी का नाम फिलअप करोगे। फिर यहाँ पर आपको फादर्स नेम देना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर यदि कोई गार्जियंस का नाम देना चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो। गार्जियंस का नाम इसमें यदि आप डालते हो तो यहाँ पर रिलीजन्स भी आपको बताना रहेगा, क्या संबंध है छात्र के साथ। यहाँ पर नेशनलिटी पहले से ही इंडियन सेलेक्ट रहेगी, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। देन यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह, पहचान चिन्ह में आप शरीर पर कोई तिल का निशान है या कट का निशान है या गले का निशान है आप इसमें डाल सकते हो। यदि कोई निशान नहीं है तो आप इसमें नन करके भी डाल सकते हो। देन यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, मेल हैं फीमेल हैं, जो भी जेंडर हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ से आपको कैटेगरी अपनी बतानी रहेगी, एससी से हैं, जनरल से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा फिलअप करना रहेगा, जहाँ
रह रहा है वहाँ का पूरा एड्रेस आपको इसमें फिलअप करना रहेगा। देन यहाँ पर आपको एरिया का पिन कोड इसमें डालना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना रहेगा, जिस भी भाषा में आप पेपर देना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी आप सिलेक्शन करना चाहें वो सिलेक्शन कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको विकलांगता, यदि कोई आपके शरीर में विकलांगता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, यदि यहाँ पर कोई विकलांगता नहीं है तो आप नन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहने दोगे। यदि यहाँ पर सेलेक्ट करते हो कोई विकलांगता तो यहाँ पर आपको परसेंटेज भी बताना रहेगा। फिर यहाँ पर रिलीजियंस है, आपको धर्म अपना सेलेक्ट करना रहेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म यहाँ पर मिल जाएंगे। यदि नहीं आपको मिलता तो अदर का ऑप्शन दिया है, अदर पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको लिखित में आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारा धर्म यहाँ पर है हिंदू, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यह कॉलम हट चुका है। फिर यहाँ पर आपको छात्र का आधार नंबर इसमें फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको माता पिता की वार्षिक इनकम कितनी है सालाना, आप इसमें फिलअप कर लोगे। फिर ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल की डिटेल कुछ फिलअप करनी रहेगी। इसको आपको जो सर्टिफिकेट आपका है हेडमास्टर द्वारा सत्यापित हुआ या हुआ उसी के हिसाब से आपको इसको फिलअप करना है। जैसे कक्षा 3 की डिटेल, 4 की डिटेल, कक्षा 5 की डिटेल, इसमें आपको सारी फिलअप करनी रहेगी। जैसे यहाँ पर आपका कक्षा 3 एक ही स्कूल से पास किया है और कक्षा 4 और कक्षा 5 तीनों एक ही स्कूल से पास किया, तो आपके यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पहले से ही ऊपर से सेलेक्ट रहेंगे। जैसे यहाँ इसमें चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर गांव का नाम चयन भरना रहेगा जिस यहाँ से कक्षा 3 पास किया है, यहाँ पर कक्षा 3 जिस भी स्कूल से पास किया है उस स्कूल का नाम देना रहेगा। इसके बाद आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना रहेगा, जो यदि आपका स्कूल जहाँ से कक्षा 3 पास किया मान्यता प्राप्त है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर रहेगा पहले से ही। यदि मान्यता प्राप्त नहीं तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको स्कूल की लोकेशन रूरल एरिया से है या अर्बन एरिया से, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे जहाँ से स्कूल रूरल एरिया में आता है या अर्बन एरिया में। फिर प्रवेश लेने का वर्ष यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो रहेगा और यहाँ पर माह सेलेक्ट रहेगा। यदि आप सही है तो आप सही रहने देंगे, यदि इसमें आपको का किसी दूसरे महीने में प्रवेश लिया तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आपको कक्षा 4 की डिटेल फिल करनी है और कक्षा 5 की डिटेल आपको फिलअप कर लेनी है इसी के हिसाब से। फिर आपको नीचे आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, फिर नीचे आपको यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको कैंडिडेट की फ़ोटो इसमें अपलोड करनी रहेगी। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का हस्ताक्षर अपलोड करने रहेंगे, सिग्नेचर, जो भी यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। फिर यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करेंगे किसी एक के, यहाँ पर उनका भी साइज 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र जो स्टडी सर्टिफिकेट है उसको आपको इसमें अपलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम सारी डिटेल फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम आपको बताएंगे, यहीं पे आप लोगों को दिक्कत होती है, आपका होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है और आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जिससे आपका यहाँ पर फॉर्म सेव नहीं होता? हम आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करके फिर बताते हैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है जिससे आपका होम पेज पे रिडायरेक्ट ना हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली है, यहाँ पर फिल करने से पहले आपको हम बता देते हैं जिससे आपका यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पर का फॉर्म ओपन होगा, आप यहाँ से फॉर्म ओपन करोगे, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे तो वहाँ से आपको समय काउंट कर लेना है कि आपको यहाँ से 4 से 5 मिनट के अंदर अपने फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना रहेगा। जितने जल्दी आप यहां पर अपने फॉर्म को फिल करके सबमिट करोगे उतने आपका यहां पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जितना ही समय आप इसमें लोगे तो आपको होम पेज पे ही रिडायरेक्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 4 से 5 मिनट के अंदर ही फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करिए तो आपको यहां पर सक्सेसफुली गारंटी के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर सब कुछ फिल कर लिया है, 3 मिनट का समय लगा हमें फॉर्म को फिलअप करने में, 2 मिनट आपको समझाया। इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। और यहाँ पर होम पेज पे भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, ना ही सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक कर दिया तो देखिए पेज लोड हो रहा है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू देखने को मिल गया और यहाँ पर आपको होम पेज पे भी रिडायरेक्ट नहीं किया गया। और आप इस प्रकार से जितना ही जल्दी आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका होम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा। जितना ही ज़्यादा आप समय लोगे तो आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 से 5 मिनट के अंदर अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट करोगे तो आपका गारंटी के साथ सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं एडिट और सबमिट का। यदि अभी भी आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कोई एडिट करना है, तो आप अभी इसमें कर सकते हो। फाइनल सबमिट के बाद आप इसमें कोई एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए आप अपना फॉर्म एक बार चेक कर लो, इसके बाद ही फाइनल सबमिट करना। जैसे हम यहाँ पर सब कुछ हमारा सही है, फिर हम यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सब कुछ किया है और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पर एक टॉपअप मिलेगा, इसको ओके कर देना है। ओके करोगे तो कंग्रेचुलेशन डियर, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। इस प्रकार से आप यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिना होम पेज पे रिडायरेक्ट हुए, बिना सर्वर प्रॉब्लम के। अब नीचे यदि आप अपना फॉर्म प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म इस प्रकार से ओपन होके आ जाएगा। आप इस फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हो। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो बिना होम पेज पे रिडायरेक्ट हुए, बिना सर्वर प्रॉब्लम के। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसा हमने इस वीडियो में बताया, उसको यूज करके आप अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।